मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स तीन पार्ट करके दिखा रहे हैं। तो फर्स्ट फोर्थ पार्ट जो है, इसमें देखो आपको इक्वेशन दिया हुआ है 5 upon x minus 1 plus 1 upon y minus 2 equal to और 6x upon x minus 1 minus 3 upon y minus 2 equal 1। तो आप इसमें सबसे पहले लेट करोगे, क्योंकि सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इक्वेशन को सिंपलीफाई करना होता है। तो लेट 1 by x minus 1 equal हो गया p और 1 upon y minus 2 equal q हो गया। ओके, अब हम इसे सिंपल इक्वेशन में रिड्यूस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 5p plus q equal to and 6p minus 3q equal 1। अब हमें एलिमिनेट करना है, तो एलिमिनेट करने के लिए आप क्या करोगे, इक्वेशन वन को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलेगा 15p plus 3q equal 6 और 6p minus 3q equal 1। अब जैसे हम इस इक्वेशन को ऐड करेंगे, तो ऐड करने पे ये वैल्यू हमारी एलिमिनेट हो जाएगी। अब 15p plus 6p 21p equal 7, तो p की वैल्यू हो जाएगी 7 divided by 21 cut के 1 by 3। ओके, अब इस p की वैल्यू को इक्वेशन 1 में हम रखेंगे। ये देखो, ये आपका इक्वेशन 1 है और ये आपका इक्वेशन 2 है। ओके, तो इक्वेशन 1 में रखोगे आप by putting value of p in equation 1। तो जैसे equation 1 में रखोगे तो क्या मिलेगा आपको, 5 into 1 by 3 plus q equal to, तो q की value हो जाएगी 2 और इसे multiply करोगे तो क्या आएगा, 5 by 3। ओके, तो ये फिर सॉल्व हो जाएगा, आप इसका एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो 6 minus 5 by 3 ये आ गया 1 by 3। ओके, अब आप देखो आपने p किसको माना था, 1 upon x minus 1 को, और इसकी वैल्यू आ गई 1 by 3। इट मीन्स कि x माइनस वन इक्वल क्या है, 3। तो x की वैल्यू 3 plus 1 4, ये वैल्यू हमारी आ गई। इसी तरह से q इक्वल क्या आ गया आपने, 1 by y minus 2, अब q की वैल्यू आई है 1 by 3, q की भी वैल्यू 1 by 3 आ रही है। ओके, 1 by y minus 2, इट मीन्स y minus 2 3 है, तो y की वैल्यू हो गई 3 plus 2 5। ओके, तो x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 5। ये हमारा सॉल्यूशन है, इसे आप पॉज करेंगे, नोट करेंगे, क्योंकि मुझे ये स्पेस चाहिए फिफ्थ पार्ट करने के लिए। तो वीडियो को पॉज करके आप फटाफट इसे नोट कर लेंगे। ओके, अब मैं इसे मिटा रही हूँ। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, मैं यहाँ पे इसको करके दिखा देती हूँ। 7x minus 2y equal 5xy और 8x plus 7y equal 15xy। ठीक है, इसे आप इक्वेशन 1 मानेंगे और इसे आप इक्वेशन 2 मानेंगे। ओके, अब आप देखो इसमें एलिमिनेट करना है, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों ही क्या है, प्राइम नंबर्स है, तो आप इनको क्रॉस करके मल्टीप्लाई करोगे। इट मीन्स आप लिखोगे 7x minus 2y equal 5xy और इसे आप किससे कर रहे हो, 7 से। ओके, और 8x plus 7y equal 15xy इसे आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आप लिख लीजिए, तो 49x minus 14y equal 35xy। ये लाइन में मिटा देती हूँ, नहीं तो फिर ऐसा लगेगा कि आप इसे सॉल्व कर लें। और 8 to 16x plus 14y equal 30xy।
अब आप देखो कि ये दोनों ही वैल्यू हमारी क्या है, सेम है, और हम इसे एलिमिनेट कर सकते हैं ऐड करके, जिसको मैंने कट कर दिया, और ये प्लस 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 ही होता है 65x, अब ये दोनों भी प्लस 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 ही होगा तो 65xy। अब देखो इस x से इस x को मैं कैंसिल कर सकती हूँ, और इस 65 से इस 65 को कैंसिल कर सकती हूँ, यानी y की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 1 आ गई। अब इस y की वैल्यू 1 जो आई है, इसे हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो आप लिखो बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ y क्या है, 1 इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 क्या है, 7x-2y=5xy। अब इसमें वैल्यू डाल दो, 7x-2×1=5x, और y की वैल्यू 1 है, ओके। तो 7x-2=5x। अब x वाले टर्म को आप क्या करोगे, एक साथ कर दोगे, तो 7x-5x=2, तो 2x=2, तो x की वैल्यू 2/2 कट के 1 आ गया। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 1, और y की वैल्यू 1 है। ये हमारा इसका सॉल्यूशन है, ओके। अब आप जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया, तब हमारा ये फॉर्मेट आया, और ये जो 6 पार्ट है इसमें ऑलरेडी इसी फॉर्मेट में है, तो ये दोनों क्वेश्चन भी आप इस फॉर्म में कर सकते हैं, ओके। ये मुझे आपको करवाने की जरूरत नहीं है, तो 6 पार्ट आप खुद से करेंगे, ओके। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, ओके। थैंक यू।